फरवरी 2024 में कई ग्रहों की जबरदस्त हलचल से कुछ राशियों को मिलेगी गुड न्यूज। फरवरी में चार महत्वपूर्ण ग्रह बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र करेंगे राशि परिवर्तन। सभी 12 राशियां होंगी प्रभावित, लेकिन कुछ राशियां रहेंगी बेहद भाग्यशाली। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से फरवरी 2024 की शुरुआत बेहद खास रहने वाली है और ये पूरा साल, पूरा महीना भी आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। फरवरी महीने में कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल और अपनी ताल बदलेंगे और कई राशियों की जिंदगी में कमाल करेंगे, खुशियों का धमाल करेंगे। फरवरी महीने में ग्रहों की जबरदस्त हलचल होने से ज्योतिष की दुनिया भी प्रभावित होगी। फरवरी महीने में सूर्य और शनि एक ही राशि में गोचर करेंगे। फरवरी महीने में मकर राशि में त्रिग्रही योग बनेगा, एक साथ तीन ग्रह गोचर करेंगे और ये जबरदस्त कमाल दिखाएगा। फरवरी महीने में ही 11 फरवरी को शनिदेव कुंभ राशि में अस्त भी हो जाएंगे। फरवरी महीने में ग्रहों का पहला परिवर्तन ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे। बुध ग्रह 1 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य युवराज बुध का स्वागत करने के लिए विराजमान रहेंगे। इन दोनों ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बुधादित्य योग भी बनेगा, जिसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि फरवरी महीने की शुरुआत ही बुधादित्य योग से हो रही है और बुध 20 फरवरी तक मकर राशि में विराजमान रहेंगे। 5 फरवरी को मंगल ग्रह धनु राशि से निकलकर अपनी उच्च मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल को हमारे नवग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल है। फरवरी महीने में ग्रहों का तीसरा परिवर्तन सूर्यदेव करेंगे, जिन्हें ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य 13 फरवरी को दोपहर 3:31 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य पुत्र शनिदेव पहले से विराजमान है। ऐसे में कुंभ राशि में दोनों ग्रहों की युति बनेगी, जिससे ज्योतिष की दुनिया में बहुत जबरदस्त हलचल होगी। फरवरी महीने में ही ग्रहों का चौथा परिवर्तन शुक्र ग्रह करेंगे। वैभव के, धन के, भौतिक सुखों के, ऐश्वर्य के, प्रेम के कारक जो शुक्र ग्रह हैं, वो 12 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 6 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे। 20 फरवरी को फिर बुध ग्रह दूसरी बार राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। फरवरी महीने में 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन, मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य, इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन और शनिदेव का 11 फरवरी को अस्त होना, इस सबका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ राशियां बेहद भाग्यशाली भी रहने वाली हैं। ऐसी भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं और ग्रह नक्षत्र किन राशियों पर मेहरबान रहने वाले हैं, ये मैं सिलसिलेवार आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि है। फरवरी महीना मेष राशि के लोगों के जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह, कई शानदार अनुभव लेकर आ रहा है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक प्रगति होगी, आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, यानी आप मटेरियलिस्टिक और लग्जरी लाइफ जिएंगे। मेष राशि वालों को कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों की भी ऐश होने वाली है। यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए भाग्योदय करने वाला साबित होगा। जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, इनकम बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, बचत करने में आप कामयाब रहेंगे, भौतिक सुखों पर खर्च करेंगे, कोई शुभ समाचार मिलेगा, घर में खुशियां आएंगी, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों के कई अटके हुए काम पूरे होंगे, विदेश से कोई अच्छी खबर मिलेगी, कारोबार चमकेगा, कोई नया वाहन या फ्लैट खरीदने के योग बनेंगे, घर में मेहमानों का आवागमन होगा, किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने का आपको मौका मिलेगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। विरोधी नतमस्तक होंगे, प्रेम संबंध पर गाढ़ होंगे, रुका हुआ धन भी वापस मिलने के चांस है, कार्यों में सफलता मिलेगी, बिजनेस में लाभ के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों को शत्रुओं के चालों से थोड़ा सा बचकर रहना होगा, लेकिन सिंह राशि के विद्यार्थियों का विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना परवान चढ़ेगा, प्रमोशन का योग बनेगा। जो लोग रियल एस्टेट में हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। कन्या राशि वालों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे, लव लाइफ पहले से बेहतर होगी, रोमांस के मौके मिलेंगे, नया फ्लैट या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है और घर में विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि वालों की प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिलेगी, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लव लाइफ बेहतर होगी और किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश के लिए समय आपके फेवर में रहने वाला है, घूमने फिरने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक जीवन में तरक्की मिलेगी, संतान संबंधी चिंता दूर होगी, विद्यार्थियों के लिए समय शुभ रहेगा और विदेश जाने की हसरत पूरी हो सकती है। धनु राशि वालों की अगर बात करें तो धनु राशि वालों की जैसे लॉटरी खुलने वाली है, कई स्रोतों से इनकम हासिल होगी, लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं का हल भी निकलेगा, प्रमोशन का योग बनेगा, बेहतर पैकेज पर किसी दूसरी बड़ी कंपनी में स्विच कर सकते हैं। और उसके बाद है मकर राशि। मकर राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और नए क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना आपके फेवर में रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के खर्चे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है, साथ ही इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे, बिजनेसमैन को बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप आसानी से अपने गोल अचीव करेंगे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा इस महीने आपको सजग रहना होगा। और अंत में रहती है मीन राशि। मीन राशि वाले फरवरी महीने में कोई नया वाहन या फ्लैट खरीद सकते हैं, पद प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी, पार्टनर के साथ कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं, उपयुक्त जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।